दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई सूर्य हॉस्पिटल राजा का तालाब। यहाँ पर हर बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए 7696307219 पर संपर्क करें। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई राणा फास्ट फूड एंड स्वीट शॉप बरमाड। यहाँ पर हर प्रकार के बर्गर, समोसे, आलू टिक्की, नूडल, ब्रेड सूप, चीज चिल्ली व हर प्रकार के किस्म की बढ़िया मिठाइयाँ भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7876257265। अधिक संपर्क करने के लिए 8219520537 पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिद्धू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में टेट्रा पैक कंपनी के माध्यम से शिमला में मंगलवार को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने भाषण संबोधन में टेट्रा पैक कंपनी का शिमला शहर के लिए जो 10 बेंच व अन्य सामग्री वितरित की है, उसका उनके द्वारा कंपनी के मालिक जेडी गोखल जी का आभार प्रकट किया गया। इस दौरान यहां पर नगर निगम शिमला के सत्य कोंडल जो स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद थे, उनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत व धन्यवाद किया गया। कंपनी द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुसंपटी छोटा शिमला के लिए स्टूल देने का भी धन्यवाद किया गया। इस दौरान यहाँ पर स्कूल के कम्युनिकेशन लीडर निरहजरा आदि कई लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज शिमला नगर निगम को टेट्रा पैक द्वारा जो हमारे बाजारों में, शहर में विभिन्न स्थानों पर बेंच लगते हैं, वो बेंच प्रोवाइड किए गए हैं, डस्टबिन प्रोवाइड किए गए हैं और स्कूल के क्लासरूम के लिए जो है वो डेस्क जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। मैं शिमला के इस वक्त जनता की ओर से टेट्रा पैक के जो आज रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री जयदीप गोखले जी और इनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही अमित चौहान जी जो हैं वो जिनके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम और डोनेशन हुई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिमला मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर इस वर्ष जो है वो सबसे ज़्यादा लिवेबल शहर के रूप में प्रथम स्थान पर जो है वो परिणाम में घोषित किया गया। बड़ी आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला एक साउथ में है, एक नॉर्थ में। और शिमला के लिए महत्वपूर्ण ये है कि 2018 में हुए सर्वेक्षण में ये 92 नंबर पर था और अब एक नंबर पर आया। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आपने देखा होगा कि शिमला को सफाई की दृष्टि से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो गाड़ियाँ डोनेट की गई। इसी प्रकार से एक जो है वो सीड्स जो है वो कंपनी है जो एनवायरनमेंट में काम करती है, उन्होंने लगभग 11 लाख रुपए की लागत से जो है वो शिमला को हैवी ड्यूटी ग्लव्स हैं, मास्क हैं, आपके स्प्रेयर्स हैं, ऐसे जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया। और आज टेट्रा पैक द्वारा जो है वो ये मटेरियल दिया गया है, इसका डबल जो है वो लाभ है।
कि ये रिसाइकल्ड चीज़ों से बना हुआ है। इनका जो टेट्रा पैक का मटेरियल है जो फ्रूटी में होता है, आपके फ्रूट जूस होते हैं, रियल है या बाकी चीज़ें हैं, वो रिसाइकल हो सकता है। और 18 मार्च जो है वो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में जो है इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। और ये रिसाइकल्ड जो है वो मटेरियल ये बाईबैक करेंगे और उससे जो है वो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बन सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए शिमला के लिए बेहतरीन है। एक तो इसके कारण जो है वो सफाई की व्यवस्था हो जाएगी और दूसरी जो है वो इससे रिसाइकल होकर के जो है वो कोई काम की चीज़ जो है वो बन सकेगी। तो इसके लिए मैं टेट्रा पैक को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नगर निगम की महापौर श्रीमती सत्या कौंडल जी और कमिश्नर जो हैं इनके साथी जितने अधिकारी और पार्षद हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके कारण देश विदेश के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो शिमला की ओर जो है वो इस दृष्टि से भी जो है वो आ रही हैं कि वो इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें, ताकि वास्तव में जो है शिमला जो है बेहतर ज़िंदगी गुजारने का वाला शहर बने, यहाँ पर सभी सर्विसेज जो हैं वो मुहैया हो सकें और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो। सर, जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं, क्या लोगों को भी इस बारे में शहरवासियों को जागरूक किया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये स्वच्छता सर्वेक्षण का जो है कार्यक्रम आजकल चल रहा है, इसमें जो है वो नगर निगम के सभी पार्षदों से, सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से जो इस कार्य में लगे हैं वो लोगों को इस बारे में अवेयर भी करें। वैसे भी कूड़ा जो है वो सूखा गीला अलग अलग जो है लिया जाता है, लेकिन कुछ वार्डों में जो है अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसको सुदृढ़ किया जाए, सभी वार्डों में जो है वो सूखा अलग से लिया जाए, गीला अलग से लिया जाए, हजार्डस है वो अलग से लिया जाए, इसकी जो है वो प्रॉपर व्यवस्था अगर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी के रूप में ही नहीं, हम सबसे ज़्यादा जो है स्वच्छ शहर के रूप में भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन